कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने नामांकन से पहले नमो घाट पर गंगा पूजा की और काल भैरव मंदिर पहुंचकर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति ली, फिर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस नामांकन में पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस नामांकन के दौरान पीएम मोदी के प्रस्तावकों की चर्चा भी काफी रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक कौन कौन रहे, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बीच उनके प्रस्तावकों की काफी चर्चा है। साल 2024 के आम चुनाव के लिए वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में चार लोग शामिल हैं, जिसके जरिए जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई। पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर पीएम के प्रस्तावक हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री, इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता बताए जाते हैं। लालचंद्र कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं और संजय सोनकर दलित समुदाय से आते हैं। चुनावों में प्रस्तावक की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। प्रस्तावक वो होते हैं जो उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक उसी सीट के स्थानीय लोग होते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 और आम उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। कई बार प्रस्तावकों के कारण चुनाव का रुख भी बदल जाता है, जैसा इस बार सूरत लोकसभा सीट पर देखने को मिला था। नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना आवश्यक होता है। नामांकन करते समय रिटर्निंग ऑफिसर प्रस्तावक के साइन लेकर सत्यापित करता है। प्रस्तावकों के कारण नामांकन पत्र रद्द भी हो सकता है अगर वो कह दे कि उसके साइन असली नहीं है। आज की खबर के लिए सुमन की रिपोर्ट।